मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा है। दोपहर के 1 बजे अमरावती में वो रैली करेंगे। साइंस मैदान में अमित शाह की रैली होने वाली है। अमरावती की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीटों में ये शुमार है। यहाँ से नवनीत राणा, जिनको साल 2019 में जीत मिली थी, हालांकि उस वक्त उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार नवनीत राणा काफ़ी सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की सीटों की अगर बात करें तो जब बीजेपी की सूची आई तो उसमें नवनीत राणा का भी नाम शामिल था और अनाउंसमेंट के तुरंत बाद नवनीत राणा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और अब अमरावती में उनके पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए गृहमंत्री अमित शाह नजर आएंगे। और ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए तो अमरावती के सीट आप देखेंगे कि अलायंस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव कंटेस्ट कर रही थी, तो किसी और दल को गया, लेकिन यहाँ से बीजेपी पहली मर्तबा चुनावी मैदान में है और वो भी यहाँ से जो कैंडिडेट बनाया गया है नवनीत राणा को, वो इसी सीट से सांसद भी हैं। नवनीत राणा जो कि अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती है, आपको याद होगा कि नवनीत राणा हनुमान चालीसा को लेकर के किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में वो सुर्खियों में आई और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। और लेकिन कुल मिलाकर के आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे जन समर्थन की अपील करते हुए, तो किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। नवनीत राणा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और वो इस वक्त चुनावी मैदान में है। अमरावती की अगर बात करें तो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है। साल 2014 में अमरावती से राकंपा की टिकट पर चुनाव हालांकि उन्होंने लड़ा था लेकिन उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। 2019 में अमरावती ने में उनको जीत मिली थी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में और उनके लिए जन समर्थन की अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं क्योंकि पूरी तरीके से आप देखेंगे चुनावी दंगल में अमित शाह हैं। मिशन 400 पार का देखिए, शाह का प्रचार मिशन 400 पार अमरावती में। गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके कई सारे मायने हैं। देखिए बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा यहां पर, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से उनका ये जो पूरा राजनीतिक सफर रहा है वो देखने को मिला है। 2014 में भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार गई, लेकिन 2019 में उन्हें जीत मिली थी और एक बार फिर से चुनावी मैदान में 2019 में निर्दलीय चुनाव जीती थी नवनीत राणा। इसके बाद आप देखेंगे कि अमरावती में इस बार का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुका है क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस ने यहाँ से बलवंत वानखेड़े को अपना कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके बाद देखिए वंचित बहुजन अघाड़ी से प्राजक्ता पिल्लेवान भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता दिनेश भी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि आप देखेंगे कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अमरावती से जिस तरीके से नवनीत राणा को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया, आज उनके लिए जनसमर्थन की अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे।